ये फोटो देखिए, आज आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं जिसे देखकर रवि किशन छेप जाएंगे। ये तस्वीर आज की नहीं बल्कि कुछ साल पुरानी है। अगर रवि किशन को याद ना हो तो यह तस्वीर दिखाकर हम रवि किशन को याद दिलाना चाहते हैं, उनकी याददाश्त को थोड़ा दुरुस्त कर देना चाहते हैं। उनकी दाईं तरफ खड़े अखिलेश यादव हैं और अखिलेश यादव उनको कुछ दे रहे हैं जो कि एक चेक जैसा लग रहा है। अब शायद रवि किशन को कुछ याद आया होगा। हम आपको बताएंगे कि क्यों रवि किशन को इस तस्वीर को याद कर लेना चाहिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि रवि किशन ने अखिलेश यादव को धोखा दिया। बताएंगे आपको पूरी कहानी हमारी इस रिपोर्ट में। रवि किशन गोरखपुर से बीजेपी सांसद और अखिलेश राज में कला के क्षेत्र में अपने किए कामों के लिए सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद अखिलेश सरकार की तरफ से मिली सम्मान राशि को भूल गए हैं। वो इस बात को सिरे से खारिज कर चुके हैं कि अखिलेश राज में उन्हें कभी कोई सम्मान राशि मिली भी थी। मैं उनकी जानकारी में बता दूं कि मुझे ऐसा कोई सम्मान आपकी सरकार ने या मायावती जी की सरकार ने नहीं दिया। लेकिन सबूत देखिए, सबूत है कि अखिलेश यादव खुद अपने हाथों से सांसद रवि किशन को चेक पकड़ा रहे हैं। इस तस्वीर को खुद समाजवादी पार्टी की तरफ से ही जारी किया गया था। गोरखपुर में सपा जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने रवि किशन का एक फोटो जारी किया था जिसमें रवि किशन साफ साफ चेक पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रहलाद यादव ने कहा था, रवि किशन झूठ बोल रहे हैं, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा में जाने के बाद रवि किशन ने झूठ बोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि भाजपा में यही पाठ पढ़ाया जाता है कि जनता झूठ पसंद करती है, इसलिए जनता के सामने सिर्फ झूठ बोलना है। हालांकि इस पर रवि किशन कोई खास जवाब नहीं दे पाए होंगे, लेकिन ये बहस शुरू कहां से हुई वो भी आपको बता देते हैं। तो सदन में प्रश्नकाल के दौरान पद्म पुरस्कारों से जुड़ा पूरक प्रश्न पूछने के दौरान सपा सदस्य अखिलेश यादव ने पूछा था कि क्या केंद्र सरकार भी पद्म पुरस्कारों से सम्मानित लोगों के लिए कोई सम्मान राशि देना शुरू करेगी। उन्हें भी सम्मान राशि मिलती थी। माननीय सांसद रवि किशन जी हैं। अखिलेश ने सदन में बैठे रवि किशन की तरफ ही इशारा करते हुए कहा था कि सदन में मौजूद रवि किशन को भी यश भारती सम्मान मिल चुका है। हालांकि इस पर गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन बिगड़ गए थे और उन्होंने सपा सरकार में किसी भी तरह के सम्मान से मना कर दिया था। मैं उनकी जानकारी में बता दूं कि मुझे ऐसा कोई सम्मान आपकी सरकार ने या मायावती जी की सरकार ने नहीं दिया। रवि किशन ने कह दिया था कि कोई पुरस्कार या रुपए ना ही अखिलेश सरकार में और ना ही कभी मायावती सरकार में हमें दिए गए। यहीं से छिड़ी बहस पर फिर समाजवादी पार्टी को सबूत के तौर पर रवि किशन की फोटो जारी करनी पड़ी थी। इस पर आप रवि किशन को कैसे देखते हैं? रवि किशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या सच में रवि किशन भाजपा में आने के बाद झूठ बोलने लगे हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।